हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णु साई और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। विजडन के सदी के पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स में शुमार सर गैरी सोबर्स 83 साल के हो गए हैं। दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर सोबर्स क्रिकेट के हर विद्या में पारंगत रहे। उन्होंने एक और जहां अपनी बल्लेबाजी से धूम मचाई, वहीं अपनी लेग स्पिन, चाइनामैन और मध्यम गति के तेज गेंदबाजी से सभी को चौंकाया। सर गैरी सोबर्स का जन्म 28 जुलाई 1936 को ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ था। उनका पूरा नाम सर गारफील्ड सोबर्स है। उनके पिता का नाम समोन सोबर्स और माता का नाम थेलमा सोबर्स है। गैरी अपने 6 भाई बहनों में 5वें नंबर में है। उनके पिता मर्चेंट नेवी में थे और जब गैरी 5 साल के थे तभी वर्ल्ड वार II के दौरान उनके पिता के सीप पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया और उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया था और इस तरह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई थी। इस वजह से गैरी सोबर्स का बचपन काफ़ी संघर्ष में बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूल बे सेंट स्कूल बारबाडोस से पूरी की। स्कूल के दिनों में वो सभी खेल काफ़ी अच्छा खेलते थे। उनमें क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना उन्हें ज़्यादा पसंद था। बाद में उन्होंने क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का फैसला किया और 13 साल की उम्र में बारबाडोस की 2 जूनियर टीमों ने उन्हें एक साथ साइन कर लिया। वो बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ही मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे। उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट 16 वर्ष की उम्र में खेला और साल 1954 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना आगाज किया। उस मैच में उन्होंने 4 विकेट चटकाए और तेज गेंदबाज के रूप में अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे। अपनी शुरुआती 22 टेस्ट पारियों में वे लगभग ज़्यादातर पारियों में अच्छा खेले, लेकिन फिर भी बड़ा स्कोर बनाने में असफल रहे और तब तक उनका हाईएस्ट स्कोर था 66 रन। इसकी वजह से उनके प्रशंसक भी उनकी आलोचना करने लगे थे। फिर गैरी ने वो किया जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। गैरी ने साल 1958 में महज 21 साल की उम्र में अपने पहले ही शतक को तिहरे शतक में तब्दील कर दिया था। तब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किंगस्टन में नाबाद 365 रन बना डाले और साल 1938 में इंग्लैंड के बल्लेबाज लेन हटन द्वारा बनाए गए 364 रन के उस समय के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गजब की बात तो यह थी कि गैरी ने उस 365 रनों की पारी के दौरान एक भी छक्का नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने 38 चौकों की मदद से ये मुकाम हासिल किया था। 36 साल बाद ब्रायन लारा ने गैरी के उस स्कोर को पीछे छोड़ने में कामयाबी पाई। साल 1966 में सोबर्स ने अपने दम पर वेस्टइंडीज़ को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिताई थी। उस दौरान उन्होंने न सिर्फ 160 रनों से ऊपर के 3 शतकों के अलावा 94 रनों की पारी खेली थी, बल्कि गेंदबाजी करते हुए 20 विकेट्स भी चटकाए थे और सीरीज वेस्टइंडीज़ की नाम की थी। साल 1968 में सोबर्स ने एक अद्भुत कारनामा किया। उन्होंने इंग्लिश काउंटी में नॉटिंघम शायर की ओर से खेलते हुए ग्ले मॉर्गन के मेलकम नेस के एक ओवर के सभी 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ दिए। तब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड पहली बार बना था। पर साल 1985 में भारत के रवि शास्त्री ने बड़ौदा के तिलक राज को एक ओवर के सभी 6 गेंदों में 6 छक्के जड़कर इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी और उसके बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स और भारत के युवराज सिंह ने ये कारनामा कर उस रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में सिर्फ एक दिवसीय मैच साल 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला और उस मैच में वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे और गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट लिया था। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे साल 1958 में वो सबसे कम उम्र में 13 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्हें 1964 में विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना। 1968 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। साल 1974 में जब उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया तब वो उस समय टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। गैरी को 1975 में क्रिकेट के लिए अपनी सेवाओं के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। साल 2000 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी चुना गया। साल 2004 में ICC ने गैरी सोबर्स के सम्मान में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की शुरुआत की। 1998 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सोबर्स को बारबाडोस के 10 राष्ट्रीय नायकों में से एक के रूप में नामित किया गया था।
जब वो 1966-67 में इंडिया टूर में आए हुए थे तब उन्हें उस समय की भारतीय अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से प्यार हो गया था और अगले कुछ सालों तक उन्होंने एक दूसरे को डेट भी किया, पर बाद में उन्होंने प्रू किर्वी नाम की एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भी नागरिकता ले ली। उनके दो बेटे हैं जिनका नाम मैथ्यू और डेनियल है और एक गोद ली हुई बेटी भी है। कुछ सालों तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद साल 1990 में उन दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में 93 टेस्ट मैचों में 57.78 की औसत के साथ 26 शतकों और 30 अर्धशतकों की मदद से 8032 रन बनाए और 235 विकेट्स अपने खाते में डाले। बल्लेबाजी में उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 365 रन है और गेंदबाजी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 73 रन देकर 6 विकेट्स है। वहीं 383 फर्स्ट क्लास मैचों में 54.87 की औसत के साथ 86 शतकों और 121 अर्धशतकों की मदद से 28314 रन बनाए और 1043 विकेट्स अपने खाते में डाले। बल्लेबाजी में उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 365 रन है और गेंदबाजी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 49 रन देकर 9 विकेट्स है। उनके ये शानदार रिकॉर्ड्स ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि क्यों वो एक महान ऑलराउंडर थे और क्यों बहुत से तत्कालीन क्रिकेटर्स उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम को उनका सुनहरा समय देने वाले महान ऑलराउंडर सर गैरी गारफील्ड सोबर्स की रिकॉर्ड भरे सफ़र की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।